नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स यार ही देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। भारतीय टीम इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबतों से जूझ रही है क्योंकि इंडिया के काफी सारे प्लेयर्स इस वक्त चोटिल चल रहे हैं। सबसे बड़ा नाम उन चोटिल खिलाड़ियों में जसप्रीत बुमराह का है और उसके बाद एक और बड़ा नाम जो इस वक्त भारतीय टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है श्रेयस अय्यर। ये दोनों ही प्लेयर्स लगातार चोटिल चल रहे हैं और अब BCCI की तरफ से दोनों की ही हेल्थ अपडेट आई है, दोनों का ही इंजरी अपडेट आया है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इंजरी अपडेट जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह साल 2022 अक्टूबर से ही चोटिल चल रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए 2022 सितंबर में खेला था और उसके बाद से लगातार बैक इंजरी जसप्रीत बुमराह को हो रही है और जसप्रीत बुमराह उसके चलते खेल ही नहीं पा रहे हैं। तो उनका अपडेट ये है कि जसप्रीत बुमराह की अभी एक सर्जरी हुई है न्यूजीलैंड में और सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। जो प्रोसीजर था पूरा सर्जरी का वो सक्सेसफुल रहा है और जसप्रीत बुमराह अब पेन फ्री है, यानी कि अब दर्द से जसप्रीत बुमराह को काफी ज्यादा राहत है। तो अब देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह की ये जो इंजरी हुई थी और जो अब ये सर्जरी हुई है बैक इंजरी की उनकी, तो कब तक जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन टीम के लिए, काफी ज्यादा टूर्नामेंट्स भी जसप्रीत बुमराह ने जो मिस किए हैं वहां पर भारतीय टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। साल 2023 जनवरी में जसप्रीत बुमराह की वापसी जरूर हुई थी इंडियन टीम में, लेकिन वो खेल नहीं पाए थे और उसके बाद एक बार फिर बैक इंजरी जसप्रीत बुमराह को हो गई थी। तो जसप्रीत बुमराह का तो हेल्थ अपडेट यही है कि अभी जो उनकी सर्जरी हुई है उससे उन्हें राहत जरूर मिली है, दर्द से वो बाहर है। तो अब देखना होगा कि वो कब तक इंडियन टीम में वापसी कर पाते हैं। वहीं अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर भी जसप्रीत बुमराह की तरह बार बार चोटिल हो रहे हैं। श्रेयस अय्यर आखिरी साल 2022 में जब दिसंबर में बांग्लादेश टूर हुआ था वहां पर श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे, उसके बाद उन्होंने भारतीय टीम में वापसी जरूर की थी। अभी हाल फिलहाल में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज हुई वहां पर उन्होंने दो टेस्ट मैचेस भी खेले, लेकिन फाइनल टेस्ट मुकाबले में श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी नहीं करने आ पाए थे क्योंकि उन्हें भी बैक की प्रॉब्लम है। बैक इंजरी श्रेयस अय्यर को भी लगातार हो रही है और अब श्रेयस अय्यर के बारे में भी एक हेल्थ अपडेट ये है कि श्रेयस अय्यर की अगले हफ्ते सर्जरी होनी है। इस सर्जरी के बाद डॉक्टर की सर्विलांस में रहेंगे दो हफ्तों के लिए और उसके बाद श्रेयस अय्यर की वापसी एनसीए में होगी। एनसीए में रिहैबिलिटेशन करेंगे श्रेयस अय्यर, उसके बाद श्रेयस अय्यर का भी देखना होगा कि वो कब तक भारतीय टीम में दोबारा वापसी कर सकते हैं। तो अभी जसप्रीत बुमराह और अय्यर का हेल्थ अपडेट यही है कि बुमराह की अभी सर्जरी हो चुकी है और वो पेन फ्री है, और वहीं श्रेयस अय्यर की अभी अगले हफ्ते सर्जरी होनी है और उसके बाद श्रेयस अय्यर अंडर सर्विलांस रहेंगे डॉक्टर के और उसके बाद उनकी एनसीए में वापसी होगी, फिर श्रेयस अय्यर कहीं जाकर भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। तो फिलहाल बहुत बड़ा हेल्थ अपडेट दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी के ऊपर ये था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें कि कब तक ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं और क्या श्रेयस अय्यर जसप्रीत बुमराह इस साल होने वाला वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। और आखिर में आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट काम है माई 11 सर्किल को डाउनलोड करने का। तो माई 11 सर्किल आप डाउनलोड कीजिए, स्पोर्ट्स यारी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको माई 11 सर्किल का लिंक, वहां से डाउनलोड कीजिए। स्पोर्ट्स यारी 20 कूपन डालिए तो आपको एक्स्ट्रा बोनसेस भी मिलेंगे और आपके इनाम जीतने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो माई 11 सर्किल को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।